अच्छा आपके सामने से गए क्या वो? वो जाएगा नहीं किधर, जाएगा नहीं किधर, वो देख लेना हमने एक बार। हमको एक बार दिख गया तो काम खत्म। ये क्या हमारा मेरा चैनल है ना, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। चलो जरा आप शूटिंग में बोलते मैं यहाँ तो टेंशन ना, तो जहरीला करेगा तो आपके पास नहीं आएगा। तो पकड़ो ना, तो बाहर नीचे उसको पकड़ के बाहर ना हुआ ना, तो भी आराम से, कोई दिक्कत नहीं काटेगा। सांप है ये काटता बहुत है लेकिन जहर नहीं होता। हाँ लो ना, ये कैसे, ये जब ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगा ना, ये तभी अपना एक पोजीशन लेता है काटने का, और उसके बाद काटना शुरू हो जाता है। लेकिन जब ये डरेगा तब, जब तक अभी तब ये गर्दन फुला रहा है, इसका मतलब ये इशारा दे रहा है आपको, तो इसके सामने हलचल नहीं करनी। हलचल क्या, तो ये काटेगा। अभी ये ज्यादा ज्यादा बड़ा नहीं है, ये कम से कम ये अभी 7-8 महीने का है बस। वो देखो भैया की पोजीशन लिया उसने, ये देखो ये देखो ये देखो, ऐसा पोजीशन लेगा ना, अरे ओए कैसा काटा उसने, अभी काट लिया उसने। आपको कुछ होता नहीं क्या फिर? मैंने काटता ना, दांत लगे तो खून आएगा लेकिन जहर नहीं उसमें, कितनी मर्जी काटेगा ना। अरे अरे वो पोजीशन देगा बहुत नट कट गई। अब वो कास हो मामा, 300 रुपया चल रहा है का? ये जब ऐसा गर्दन फुलती है ना इसकी, तो अपने को ये सिग्नल है कि वो काटेगा गिर, तो उस टाइम उसके टाइम उसके सामने हलचल नहीं करनी, उसको प्यार से पकड़ना है सर। देखो आप भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कैसा है देखो, क्या होता है आदमी का जो डर है, हम लोग डर दूर करने का काम करते हैं। हर आदमी हर सांप जहरीला नहीं। क्या बोल रहे, सुन रिया? अभी अपने इंडिया में 300 प्रकार के सांप है। कितने? 300। उसके अंदर सिर्फ हमको सिर्फ खतरा सिर्फ 4 सांप से, और वो जो 4 सांप है उसमें 3 सांप अपने इधर कॉमन है, कोबरा, रसल वाइपर और कॉमन क्रीट। ये अपने इधर कॉमन है, ये हर रोज पकड़ता हूँ मैं, और सॉस्केल वाइपर ये अपने इधर नहीं मिलता। ये बस 4 सांप को छोड़ के बाकी इंसान को किसी से खतरा नहीं, लेकिन क्या होता है इंसान डर की वजह से मार देता है। अभी इसका जो डिजाइन है ना, ये डिजाइन देख के लोग इसको डरते हैं, और डिजाइन देख के और ये जब ये घबरा जाता तो ऐसा पोजीशन लेता है, तो आदमी को क्या लगता है शायद ये कोबरा है ना, तो आदमी डर के मार देता है। अब ये कैसे, चूहा मेंढक छिपकली खाने के चक्कर में या जगह की तलाश में ये गलती से अपने पास आता है, तो सांपों को इंसानों से कुछ लेना देना नहीं है। ये इंसानों से इतना दूर रहता है, दुनिया में पूरे धरती पर डरपोक प्राणी है तो ये सांप है। इसके लिए हमेशा छुपके रहता है, गड्ढों में रहता है, अंधेरों में रहता है, बिल में रहता है, किसी के सामने आता नहीं। लेकिन गलती से अगर आ गया तो हमको दिखता तो हम लोग डर के उसको मार देते। तो अब ये तो आपने अच्छा किया कि देखा और बताया मुझे, तो हम लोग यही काम करते हैं कि लोगों को समझाते हैं कि ये अभी छिपकली आपके इधर आसपास की छिपकली, गिरगिट, चूहे खाली ये खाने के लिए घूमता है, बाकी इसको इंसान से कुछ लेना देना नहीं, और इसको कुछ समझता नहीं है। अभी मैंने इसको पकड़ा, इसको पता नहीं कुछ भी, इसको भगवान ने दिमाग नहीं दिया, इसको इतना पता कि मेरे को अगर खतरा हो तो मैं काटूंगा और काट के भाग जाऊंगा। मैंने इसको पकड़ा है, मैं इंसान हूं, मेरा ये हाथ है, ये आपका मुंह, इसका पैर, इसको नहीं समझता कुछ भी। या अभी मैं इसके सामने खड़ा हूं तो इसको पता कि मेरे सामने कोई चीज है जो हिल रही है, और मेरे रेंज में आए तो मैं काटूंगा। ऐसा है, अभी ये छोटा है, देखो ना पकड़ के देखना, तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपको भी मालूम पड़ेगा ना, साफ हाथ लगा कैसा मालूम पड़ता है। नहीं, मैं हर जगह पे जाता हूँ, बड़े बड़े सोसाइटी में भी गया तो लोगों को समझाता हूँ, कितने लेडीज लड़कियों के हाथ में देता हूँ। मतलब डर, अपना डर दूर होना चाहिए। क्या होता है, सांप का नाम का इतना डर है कि गलती से मिसप्लेस हो गया तो आदमी को 2 महीने चैन नहीं मिलता। अरे यार वो इधर रहेगा, इधर रहेगा, मतलब डर इतना हमको समझ में आता है, तो हम डर दूर करने का काम करते हैं खाली, बाकी कोई।